अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर सुबह सुबह बस में लूट हुई। दिनदहाड़े कट्टे की नोक पर बस यात्रियों को लूट लिया गया, जिस पर अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस मुद्दे में पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रही है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बेहद ही आक्रामक नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की भी मामले में सख्त रूप अपनाती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिस पर पूरे प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। हुआ कुछ यूं कि सुबह 7 बजे यात्रियों से भरी बस कुछ लुटेरों ने कट्टे के दम पर लूट ली। बंधक बनाकर यात्रियों के गहने और रुपए अपराधियों ने छीन लिए। लुटेरों ने बच्चे के 50 रुपए भी नहीं छोड़े। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने बस में बंधक यात्रियों से लूटपाट की, लेकिन अब मामले में राजनेताओं की एंट्री हो गई है। इसका मोर्चा संभाला है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से कई तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। छतरपुर में खुली लूट, छतरपुर वहां से सांसद है वो, इसमें उनका कानून क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? एसपी को सस्पेंड करेंगे, संबंधित सीएसपी को सस्पेंड करेंगे? आज तक एक भी अधिकारी किसी भी घटना में दंडित हुआ? जरा आवाज नीची करो और थोड़ी कलम और कार्रवाई तेज करो। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस घटना में वीडी शर्मा पर बेहद ही आक्रामक नजर आए, और जीतू पटवारी का ये रिएक्शन आया भी इसलिए क्योंकि जैसे ही सुबह घटना सामने आई, प्रदेश अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनका बेहद ही सख्त रुख नजर आया। वीडी शर्मा ने पहले तो छतरपुर एसपी से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट ली, फिर उसके बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। ये आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें तो बस को लूटना, बस को कट्टा दिखा करके गरीब आदमी से पैसे लूट लिए, ये तो प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ये तो नहीं, इनका इनके इनके आसपास या कोई भी है, ये जरा इसको तो बहुत कड़ाई से एक्शन करो इनके ऊपर। लोकुश नगर से 20 यात्रियों से भरी बस में दिनदहाड़े लूट ने प्रदेश की राजनीति में तलखी का स्तर बढ़ा दिया है। कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी सरकार भी किसी भी तरीके से रियायत के मूड में नजर नहीं आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुद मामले में संज्ञान लिया, और ले भी क्यों ना, क्षेत्र भी उनका ही है, और यही वजह भी रही कि जीतू पटवारी ने वीडी शर्मा से तीखे सवाल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, छतरपुर में हुई लूट को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी भी सख्ती दिखा रही है। बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई।